ले। वैसे भी तू लंगड़ी है, कौन कमा के देगी मम्मी पापा को, बस खाती रहती है बैठ के, काम पे काम बढ़ाती रहती है। और खाले यही है तेरे नसीब में, क्यों पैदा हुई है तू हमारे घर में? वैसे भी तुझसे कोई प्यार नहीं करता, बस पापा को छोड़ गए। मम्मी मम्मी देखो ऋषिका ने मुझे कैसा खाना दिया है। कैसा दिया है? अच्छा खाना तो है, क्या करेगी? और वैसे भी तू खाना खा करके हाँ मुफ्त का खाना और खाती रहती है, ना ही घर का काम करती है, हाँ मुफ्त में डली रहती है यहाँ पे, ना ही तुझसे कोई काम किए जाते हैं। हाँ क्यों पैदा हो गई लंगड़ी? हाँ मैंने तो भगवान से लड़का मांगा था और तू पैदा हो गई लड़के की जगह पर। कौन करेगा तुझ जैसी लंगड़ी से शादी? खाना भी नहीं बनता देर से तो। अच्छा हुआ ना ये अच्छा खाना दिया है, ये सूखी रोटियां नहीं है जरूरत कोई तुझे अच्छा खाना खाने की। मुफ्त का खाना खाने लगी रहती है, मत खा, एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। मुफ्त का खाना दे दो इन्हें फ्री का। ये भी साफ कर देना, आज हाथ चला रही है तो ढंग से ही चला ले। हाँ तुझे खाना दे दूंगी मैं, ऋषिका से बोल दूंगी कि तुझे अच्छा खाना दे दे, ठीक है? कर साफ अब जल्दी। लंगड़ी कहेगी भगवान मुझे लड़की क्यों दे दी, कहेंगी ढंग की लड़का ही दे दिया होता तो अच्छा होता। लंगड़ी कहेगी हे भगवान आपने मुझे लंगड़ा क्यों बनाया है, इससे अच्छा तो मुझे इंसान ही नहीं बनाते, मुझे स्कूल नहीं भेजती है मम्मी, वो मेरी दीदी को ही भेजती है, मुझे भी स्कूल जाना है। हे भगवान मुझे लंगड़ा क्यों बनाया, मैं सारा काम कर लूँगी तो दीदी मुझे खाना दे देंगी, मम्मी ने कहा था। आज ना मैं इसके खाने में मिर्ची मिला देती हूँ, फिर पता चलेगा कि कैसे खाते हैं मिर्चीदार खाना। अब पता चलेगा इसको, तो मैं बताऊंगी आप। हर्षिता हर्षिता आ खाना खा ले। दीदी आज आप मेरे लिए अच्छा खाना लाई हो। हाँ जी ले खा ले। दीदी पानी दो मुझे। पानी पीगी? हाँ दीदी दो मुझे, बहुत तेज मिर्ची लगी। पानी पानी दीदी मुझे पानी दो, पानी पानी बारिश होने। अरे हाँ ये क्या, आप इसको यहाँ पर लेकर क्यों खड़े हो? क्यों तंग आ चुकी हूँ मैं इस लड़की से, यहाँ खाना भी खाती रहती है, ढंग से काम भी कुछ नहीं करती, वैसे भी लंगड़ी है, हमें कौन कमा कर देगी? लड़का होता तो अच्छा होता, कमा कर तो देता, एक ऋषि का है घर में, वही काफी अपने लिए। आप तो इसे अनाथ आश्रम में छोड़ा, ये मुझे नहीं रखना इसको इस घर में। मैं नहीं आ रहा इसको अनाथ आश्रम में छोड़ के, ये फूल सी बच्ची को कैसे सोचती हो तुम? जाओ आप यहाँ से। जा रहा हूँ ना, या तो इस घर में रही हो, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। कुछ कर मत देना इसका, ठीक है ना? जा रहा हूँ अभी तो मैं।
यहाँ पर बैठी हुई है महारानी, यहाँ घर का तो कोई काम नहीं होता तेरे से, तेरे हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है। काम की ना काज की दुश्मन, अनाज की लंगड़ी कहीं की, मेरे घर में क्यों पैदा हो गई? तेरे पापा ने तुझे घर से बाहर नहीं निकाला तो क्या हुआ, मैं तुझे निकालती हूँ घर से बाहर। चल आ मत जाना तू मेरे घर में, चल चल यहाँ से, चल आ मत जाना इस घर में, तेरी कोई जरूरत नहीं है इस घर में, कोई जगह नहीं है, चल चल तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है मुझे, हाँ मुफ्त का खाना खाती रहती है, निकल आ मत जाने इस घर में, तेरे ना तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद, आ मत जाना, समझ गई ना, कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में आने की, काम चोर कहीं की। जेवरात और पैसे रख लिए हैं, बस मैं घर से निकल ही रही हूँ। अरे बेटे ऋषिका कहाँ है? हे भगवान, ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही सुबह से, जब से उठी हूँ तब से बताकर भी नहीं गई, सहेलियों के पास जाना था कि कहाँ जाना था। अरे बहन जी। अरे हाय वंदना, कैसी हो? हाय सोनम। अरे तुम्हें पता है नहीं कि शर्मा जी के बेटा जो है ना वो किसी लड़की को लेके भाग गया? हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है, भाग गया तो इससे हमें क्या जाता है, शर्मा जी जाने उनके माँ बाप जाने, हमें क्या मतलब। अरे सुनो सुनो, तुम जानने की कोशिश नहीं करोगे शर्मा जी का बेटा किस लड़की को लेके भागा है? किसके साथ भागा हुआ? तुम्हारी बेटी ऋषिका को लेके भागा है, तुम्हारी बेटी भाग गई है उसके साथ। सचमुच? हे भगवान जी, कैसे हो गया, मेरे सारे गहने जेवरात चुरा कर ले गई। हाँ मैंने उसे कितने प्यार से पाला था। यही होता है, ज्यादा लाड करो बच्चों को तो सर पे चढ़ जाते हैं। अब ये रोने से क्या फायदा, तुम जैसी औरत के साथ तो यही होना चाहिए था। तुमने कैसा व्यवहार किया था अपनी छोटी बेटी के साथ, लंगड़ी थी ना उसको निकाल दिया था घर से। हाँ अब तुम्हारे साथ अच्छा आया, अच्छा हुआ, अब रोने से क्या फायदा, रोते रहो, जाती हूँ मैं तो। लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? अरे गुरु जी का आपने पड़ोस वाले शर्मा जी है ना, उनकी लड़की के साथ भाग गई, सारे घर के गहने ले गई, सारे गहने जेवरात ले गई।